हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो प्री बीएड और डीएलएड के काउंसलिंग से संबंधित है। इस वीडियो में काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आप कैसे काउंसलिंग करेंगे, कुल कितने सीटें हैं, कुल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और उन कॉलेजों का लिस्ट और फीस कितनी है कॉलेज की, साथ ही टॉप 10 रैंकिंग के हिसाब से जो है कितने रैंक में आपका हो सकता है, कितने मार्क्स में आपका हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा यदि आप प्री बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो ये आज ही का न्यूज़पेपर है, इसमें यहाँ पर बोला गया है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शेड्यूल जारी कर देगा, इसके साथ ही काउंसलिंग भी प्रारंभ कर दी जाएगी और बीएड और डीएलएड का काउंसलिंग जो है एक साथ ही स्टार्ट होगी दोस्तों। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रदेश में बीएड तथा डीएलएड मिलाकर शिक्षा पाठ्यक्रम की लगभग 20,000 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 14,400 जो है आपकी बीएड का सीट है निजी और शासकीय दोनों मिलाकर। वहीं जो बचत की सीटें हैं वो जो है आपकी डीएलएड की है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ही जल्दी जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, 2-4 दिन में। आप चेक करते रहिएगा, मैं साइट बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, कहां से आपको पता चलेगी, ठीक है। तो आपको ब्राउज़र में जाना है, क्रोम ब्राउज़र या कोई से भी ब्राउज़र में, वहां पे आपको सर्च करना है SCERT, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो एक लिंक आपके सामने ओपन हो जाता है, SCERT.government.in, ठीक है। उसमें क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज, पूरे कॉलेज की डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं, साथ ही वहाँ की फीस कितनी है और आपको जो है काउंसलिंग यहीं से करना है, ठीक है। आपकी काउंसलिंग दोस्तों यहाँ से होगी, बीएड डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हालांकि वो खाली है क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब स्टार्ट हो जाएगी 2-4 दिन में तो आपको चेक करते रहना है। यहाँ पर जो है निर्देश भी दिया जाएगा, साथ ही कितने कॉलेज हैं उसकी लिस्ट भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और यदि आपको कॉलेज अभी देखना है कि कौन कौन से कॉलेज हैं तो आप फिर से स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, नीचे है बीएड एमएड के लिए है, फाइनल फीस गवर्नमेंट ऑर्डर बीएड एमएड फॉर 2018 से 21, फीस नोटिफिकेशन बीएड एमएड। तो यहाँ पे जो है आपको कॉलेज के साथ साथ वहाँ की फीस भी पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएलएड या प्री बीएड जो भी हो, आपकी सबकी काउंसलिंग जो है यही साइट से होगी। अब बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है कॉलेज की संख्या कितनी है प्री बीएड के लिए। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 146 कॉलेज है दोस्तों, जिसमें से केवल 3 ही जो है क्या है आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आगे देखने वाले हैं कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बाकी जो है 143 जो है निजी कॉलेज हैं। और सीटों की संख्या की बात करें यदि यहाँ पर, तो कुल सीट है 14,400, ठीक है, 14,400 सीटें हैं टोटल, जिसमें से केवल जो है 250 जो है गवर्नमेंट सीट है, बाकी जो है निजी कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट सीट है। सभी स्टूडेंट्स का जो है पहला प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज पहले देखते हैं जो 3 है, ठीक है। क्योंकि 146 कॉलेज हैं टोटल और सब के बारे में बताना जो है कि वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो जो पहला गवर्नमेंट कॉलेज है वो रायपुर में है, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, ये शासकीय है। यहाँ पे जो है सीटों की संख्या केवल 75 है दोस्तों, ठीक है। और ये जो 75 सीट है वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रिजर्व है। बाकी निजी कॉलेज में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के निवासी के साथ जो है अदर स्टेट्स के भी डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा रायपुर में और बहुत सारे कॉलेज हैं, ये सब निजी हैं, ठीक है। केवल एक ही है गवर्नमेंट रायपुर में, वो है शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर। अगला जो गवर्नमेंट कॉलेज है बस्तर में है, स्कूल ऑफ स्टडी इन एजुकेशन बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर धर्मपुरा, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे सीटों की संख्या जो है 100 है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज्यादा सीट यही है बस्तर में। और तीसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो बिलासपुर में है, उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, ये भी शासकीय है और यहाँ पे भी 75 सीट है। टोटल जो है कितने हो गए, 75, 75 और 100, यानी कि 250 सीटें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में। इन 250 सीटों में ही जो सिलेक्शन होना है तो हाई रैंकिंग वाले हो जाएगा, जो बच जाएंगे उनको जो है प्राइवेट कॉलेज में लेना पड़ेगा एडमिशन, ठीक है। रखिएगा, काउंसलिंग के समय में आप पहला प्रेफरेंस जो है
गवर्नमेंट कॉलेज में ही डालेंगे। वहाँ पे जब काउंसलिंग के समय पूरे कॉलेज सेलेक्ट करना रहता है, पहले प्रेफरेंस क्या है, कितना है, और वहाँ पे लिमिटेड भी होता है, 12 या 13 कॉलेज ही सेलेक्ट कर पाते हैं आप काउंसलिंग में, ठीक है। तो उन 12 कॉलेजों में जो है पहला प्रेफरेंस जो है तीनों गवर्नमेंट को डालना, उसके बाद जो है आपके नियरेस्ट प्राइवेट कॉलेज को डालना, क्योंकि दोस्तों फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 31,000 समथिंग है सभी कॉलेज में, निजी में प्राइवेट में, ठीक है, पर ईयरली। यदि आप जो है इसका पूरा लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसको सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक करके जिसका भी देख, सबका सीट यहाँ पे दिख जाएगा, कॉलेज कितने हैं ये भी पता चल जाएगा। सिर्फ काउंसलिंग वाला ऑप्शन अभी पे शो नहीं हो रहा है, वहाँ पे लिंक जो है नहीं डाला है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप चेक करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रैंकिंग की। अभी जो प्री बी एड का रिजल्ट आया है वहाँ पे टॉप 10 रैंकिंग में जो पहला जो रैंक लाया है वो कितने मार्क्स में लाया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 76.289, ठीक है। वहीं यहाँ पे टॉप 10 शो हो रहा है, ठीक है। हमको 1 और 10 देखना है एक अंदाज़ा लगाने के लिए कट ऑफ कि कितने नंबर वालों को हो सकता है। तो जो 10 नंबर में जो रैंक लाया है उसका आया है 73 में, ठीक है। 1 रैंक कितना है 76, और 10वां जो रैंक लाया है वो 73, और टोटल सीटों की संख्या कितनी है गवर्नमेंट में 250, तो 10 सीट तो यहीं पे बुक हो गया, ठीक है, 240 सीट बची है। तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कम होते होते कितना हो सकता है, सीट जो है लिमिटेड है, यानी कि जो कट ऑफ है आपका 63-64 प्लस है तब आपको गवर्नमेंट मिल सकता है, ठीक है। वहीं यदि एससी एसटी कैटेगरी वाइज हो तो कैटेगरी वाइज कभी कभी छूट मिल जाती है, किसी किसी कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीट ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज छूट मिल सकती है, तो उसमें कुछ कम नंबर का भी हो सकता है, जैसे 55 वगैरह में हो सकता है एससी एसटी कैटेगरी का, तो ये हो सकता है। बाकी कट ऑफ जो है 63-64 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके होने का। अब बात करते हैं जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन बाद, तब काउंसलिंग आपकी कैसे होगी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर नहीं बनेगा तो आप साइबर कैफे में जाके भी करवा सकते हैं। यहाँ पे साइड दिया हुआ है, उसमें लॉगिन करना है आपको। यहाँ पे बहुत सारे निर्देश दिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये 7 पेज का था, ठीक है, जो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें को देखते हैं। और आवेदन करते समय जो है आपके पास मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो OTP आएगी उसमें, ठीक है। अब टिप देखते हैं, आवेदन करते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है आपके पास मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि आपको OTP भेजा जाएगा, ठीक है। पासवर्ड दिए गए प्रारूप के अनुसार ही रखें। अगली स्क्रीन पर अपना लॉगिन आईडी नंबर दिखाई देगा, इसे सुरक्षित नोट कर लें तथा इसे किसी को न बताएं एवं प्रिंट आउट लेकर रख लें। इसके पश्चात लॉगिन टैब पर क्लिक करें, जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको लॉगिन आईडी, आपके द्वारा सेट किया हुआ पासवर्ड और कैप्चा कोड जो है भरना होगा। यहाँ पे दोस्तों काउंसलिंग शुल्क जो है 350 रुपये आपको लगेंगे। लॉगिन होने के बाद जो है जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिए आप विकल्प भरना चाहते हैं उसे सेलेक्ट टैब में जाकर चुन ले, आप जितने चाहे उतने संस्था दे सकते हैं। कम से कम एक संस्था का नाम देना अनिवार्य है, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें, ठीक है, क्योंकि एक में नहीं आए तो दूसरा में चांस रहता है। आपकी जो है काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आपके लिए लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, जिस कॉलेज में भी आपका आएगा नाम लिस्ट जारी होगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो उसी कॉलेज में होगा जहां आप एडमिशन लेंगे, जहां आपका नाम आया रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आप अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th का, साथ ही इसका जो कॉपी निकालेंगे अपना रिजल्ट प्री बी एड या DL Ed जिसका भी आप दिलाए हैं उसका रिजल्ट का फोटो कापी, अपनी जाति निवास, आधार कार्ड, ये सब ओरिजिनल को जो है आपको प्रस्तुत करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, साथ ही एक एक फोटोकॉपी जो है सबमिट करनी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों कुछ ही दिन में आ जाएगी, तो अप्लाई तो सभी को करना है काउंसलिंग के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे कोई हाई रैंकिंग वाला ही अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अप्लाई सभी को करना है। रैंकिंग के हिसाब से जो है आपका सीट डिवाइडेड होता है, ठीक है, रैंक के हिसाब से आपको सीट मिलता है, तो अप्लाई सभी करें, जिसका थोड़ा बहुत कम रैंक आ गया है वो भी अप्लाई करें, ठीक है, क्या पता वहाँ पे एडमिशन ना हो और आपका नाम आ जाए, ठीक है। कई जगह बार क्या होता है कोई लोग दूसरा कोर्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनका रैंक आया रहता है, तो वहाँ पे जो है सीट खाली हो जाती है,
तो ऐसे कंडीशन में आपका आने का चांसेस रहता है, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा काउंसलिंग के लिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।